टीम इंडिया को जो स्टार बल्लेबाज है ईशान किशन, बिन ले के सवाल अब और भी गहरे होते जा रहे हैं। ईशान किशन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से ही टीम इंडिया से 12 साल रहे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के अंदर ईशान किशन आपको नाम मानसिक तनाव की वजह से वापस ले लियो और 20 सीरीज के बाद में एक खिलाड़ी को नाम टीम इंडिया की जो आगे आबल सीरीज है बाग के अंदर एक खिलाड़ी को नाम कुनिया है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बाद में एक खिलाड़ी को नाम आगे आबल T20 सीरीज और टेस्ट सीरीज में एक को नाम कुनिया है। और जब इस चीज के बारे में टीम इंडिया को कोच राहुल द्रविड़ ने पूछो गयो तो राहुल द्रविड़ को कहने कि अगर ईशान किशन ने वापसी करनी है तो ईशान किशन आपने घरेलू क्रिकेट में खेल तो दिख जाओगे, लेकिन रणजी मैच में ईशान किशन झारखंड की टीम से खेल तो कौन दिख रहे हो, तो ईशान किशन की वापसी कोई भी संकेत कौन दिख रहा है। ईशान किशन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आपको नाम मानसिक तनाव की वजह से वापस ले लियो, लेकिन बिक बाद में अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में भी एक खिलाड़ी को नाम कुनी हो और साथ ही इंग्लैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैच के लिए भी एक खिलाड़ी को नाम कुन दियो गयो। ईशान किशन की जगह टेस्ट क्रिकेट में दुर्गा जोरियाल ने मौको दियो गयो है। अब अगर ईशान किशन ने टीम में वापसी करनी है तो ईशान किशन ने रणजी क्रिकेट खेलना पड़ती। अगर ईशान किशन ने टीम इंडिया के लिए पहले दो टेस्ट मैच में मौको कुन मिले तो यह बात साफ हो रही है कि अगले जो तीन टेस्ट मैच है वहां भी ईशान किशन ने मौको कुन मिला है। अब सबसे बड़ा सवाल निकल के सामने ये आ रही है कि ईशान किशन इस साल ओवल T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए खेलते नजर आओगे फिर कुनी आवे। इसके लिए अगर ईशान किशन ने आपकी T20 में जगह बचानी है तो ईशान किशन ने IPL में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा, तभी ईशान किशन की वापसी T20 वर्ल्ड कप में हो सके है। और साथ ही ऋषभ पंत भी इस बार IPL में वापसी कर सके है तो ईशान किशन ने ऋषभ पंत से भी चुनौती मिलेगी। ईशान किशन की अगर बात करें तो ईशान किशन विकेट कीपिंग के साथ साथ ओपनिंग की भूमिका निभाने के लिए भी बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर है। लेकिन अगर ईशान किशन ने T20 वर्ल्ड कप में खेलना है तो ईशान किशन ने IPL में अपना प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर थानी वीडियो चोखा लगी है तो वीडियो लाइक करियो और चैनल भी सब्सक्राइब करके वीडियो ने शेयर भी कर दियो।